Subscribe to Films of India and click on the bell icon for all the latest Bollywood updates. ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं, शांत ज्वालामुखी जो कभी नहीं फटता, जागृत ज्वालामुखी जो बेवजह ही फटता है, और प्रशुभ ज्वालामुखी जो वैसे तो शांत होता है लेकिन जब फटता है तो 2.5 किलो के हाथ से हैंडपंप उखाड़ लेता है। आपको तो पता चल ही गया होगा कि मैं किस फिल्म के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्रेयस तलपड़े डायरेक्टेड फिल्म पोस्टर बॉयज की। ये फिल्म इसी नाम की एक मराठी फिल्म की रीमेक है। फिल्म शुरू होती है मेले में चल रहे एक आइटम सॉन्ग से, जहाँ बॉबी, श्रेयस और सनी यानी विनय शर्मा, अर्जुन सिंह और जगावर सिंह अपनी तस्वीरें खींचते हैं एक फोटो स्टूडियो के स्टॉल में। अगले ही दिन इन्हीं तस्वीरों का नसबंदी का पोस्टर बनकर सारे जिले में बढ़ जाता है। ऐसा होने के बाद इनकी जिंदगी में भूचाल आ जाता है, जो कि ये पोस्टर सरकार ने खुद छपवाया है। इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है सरकार के साथ। ये पूरी फिल्म इसी स्ट्रगल के ऊपर बेस्ड है। कंसेप्ट वाइज देखें तो ये फिल्म बड़ी खूबी से एक अच्छा सोशल मैसेज देती है, और इस फिल्म की खासियत ये है कि नसबंदी के मैसेज के साथ साथ ये सटल तरीके से एक और मैसेज दे जाती है। वो मैसेज क्या है ये आप खुद जाकर देखें। फिल्म का फर्स्ट हाफ आपको शायद थोड़ा ड्रैग लगेगा, क्योंकि कुछ जोक्स में वो पंच नहीं है जिससे आपको ये जोक्स पीछे लगते हैं, लेकिन सारे जोक्स ऐसे नहीं। सेकेंड हाफ काफी हिलेरियस और एंटरटेनिंग है। एक्टिंग की बात करें तो सभी ने एक्टिंग बहुत अच्छी की है। सनी बाजी ने खास करके अपनी कॉमेडी टाइमिंग और पर्सनैलिटी से बॉबी और श्रेयस दोनों को ही ओवर पावर कर लिया है। सोनाली कुलकर्णी, एली एब्रम और समीक्षा भटनागर, इन तीनों ने ही अपने रोल बखूबी निभाए हैं। एक्टिंग में कुछ हद तक फिल्म की कमजोर कड़ी रहे हैं बॉबी देओल। बॉबी देओल की एक्टिंग वैसे तो बहुत अच्छी है, मगर जहां पर जोक्स के टाइमिंग की बात आती है वो थोड़े से ढीले पड़ गए, जिससे आपको फर्स्ट हाफ जैसे मैंने बताया ड्रैग लगता है। फिल्म में कुछ बड़े स्टार्स का भी गेस्ट अपीयरेंस है। वो कौन है और उनका काम क्या है ये सरप्राइज रहे तो ही बेहतर है। लेकिन एक बात बताऊंगा, उनके नाम जो फिल्म शुरू होने के पहले वाले क्रेडिट्स में दिया है, वो अगर फिल्म खत्म होने के बाद के क्रेडिट्स में देते तो ज्यादा इम्पैक्ट करता। एज ए डायरेक्टर श्रेयस तलपड़े ने काफी अच्छा काम किया है, खास करके तब जबकि उन्होंने डायरेक्शन के साथ साथ एक्टिंग भी की है। फिल्म्स ऑफ इंडिया देता है इस फिल्म को 3 स्टार्स। आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और एक बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और उसके बाद जो बेल बटन आता है उसे प्रेस करें, ताकि आपको बॉलीवुड से रिलेटेड चटपटी खबरें मिलती रहें। थैंक यू।